फिर मम्मी डैडी बच्चे होते हैं, बर्गर बच्चे जो होते हैं आपको पता है फिर वो कैसे पलते हैं, और जो गरीबों के बच्चे होते हैं यानी जैसे हमारे बच्चे हैं ये जनाब, सर्दी बहुत शदीद हो चुकी है, धुंधे पड़नी शुरू हो गई है, आगे बारिशों का भी सीन है, हवाएं भी चलेंगी, आपको छत के ऊपर लेके चलते हैं, आपको दिखाएंगे हमने क्या इंतजाम। ये केज देखिए, ये दो केज हैं, इनको भी मैंने ढांप दिया अच्छे तरीके से। ये केज देखिए, इसको भी ढांप दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो है सर्दियों में केयर करने के हवाले से अपने बर्ड्स की। तो मैं आपको बताता चलूं, आपको पता है दिसंबर शुरू हो चुका है, तो दिसंबर के एंड में बारिशें भी होती हैं, धुंध भी पड़ती है, तो उसके लिए क्या होता है, हमने इन बर्ड्स को सेव करना होता है। तो मैं भी आज एक सेव करने के लिए ये तरपाल लेके आया हूँ, ये मैं डालूंगा छत के ऊपर ताकि ये सर्दी के असरात से महफूज रह सकें। तकरीबन ये 6x24 की तरपाल है, ये सारी हम डालेंगे आज केजिस के ऊपर, छत के ऊपर, ताकि जो सर्दी आती है ना ऊपर से, फिर इन बर्ड्स को तंग ना कर सके। आगे हम इस तरपाल को कर देते हैं, लेकिन ऊपर से जो धुंध आती है, सर्दी आती है, उससे भी बचाव ज़रूरी है। और आगे आपको पता है बारिशें भी होने वाली हैं, तो जब बारिशें होंगी तो तब क्या होता है कि जब फुहार पड़ती है ना तो ये तरपाल गीली हो जाती है, तो बर्ड्स अंदर फिर ठंडे हो जाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए ये तरपाल डालेंगे। आज मैं आपको भी दिखाऊंगा कैसे डालेंगे, अब मैं जब डाल लूंगा तो फिर आपको दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये छत है हमारी, और ये हैं केजेस, और ये कुछ केजेस ये लकड़ी के और लोहे के हैं। अब ये क्या है कि सर्दी से और बारिश से कुछ हद तक ये महफूज हो जाएंगे। इस साइड पे हम ये तरपाल गिरा देंगे, तो ये बारिश वगैरह की जो वाशर वगैरह होती है ना, वो भी फिर इनको तंग नहीं कर सकेगी। और बहुत सारे हमारे भाई ये सवाल करते हैं कि आपने केजिस के अंदर क्या डालना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे आप मेरे पे ना रहें, क्योंकि मैं इनको काफ़ी गर्म खुराक देता रहता हूँ। अगर तो आप गरम खुराक देते हैं तो ये देख लें, मैंने कोई चीज़ नहीं डाली हुई इनके केजेस के अंदर। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये देखें मिट्टी और रेत है बस, क्योंकि जहाँ पे ये बैठते हैं ना तो फिर वो जगह गर्म हो जाती है, लेकिन बाहर से इनको हवा नहीं पड़नी चाहिए। ये देखें मिट्टी और रेत, ठीक है। बाकी केजेस भी देख लें, किसी में कुछ नहीं डाला हुआ, सिर्फ ये जो लकड़ी, ये जो लोहे के केजेस है ना हमारे, इनमें मैंने ये तूड़ी डाली हुई है। आप लकड़ी का बरादा भी डाल सकते हैं, पराली भी डाल सकते हैं, और ये जो आप ऊपर केजेस देख रहे हैं ना, ये देसी है, तो ये वही है जो कालिए के साथ था, तो एक तो मर गया था और एक ये आप देख लें इसको इतना बड़ा हो गया, मुर्गी है ये, तो इनमें मैंने कोई चीज़ नहीं रखनी होती रात को, इसलिए देख लें अभी भी खाली हैं ये केजेस। तो इसमें मैंने तूड़ी डाली हुई है, और ये देखें खाली हैं बाकी केजेस, और जो दूसरे केजेस हैं इनको मैंने अंदर कुछ भी नहीं डाला होगा, कोई चीज़ नहीं डाली हुई, सिर्फ और सिर्फ मैंने इनको मैं खुराक देता हूँ गरम। मैंने आपको बताया था आप छुहारे मिक्स कर सकते हैं खुराक के अंदर इनकी, और कोशिश किया करें क्योंकि आजकल सर्दी है ना, तो दो देसी अंडे इनकी जो फीड होती है ना, जो आप फ़र्ज़ करें आपके पास 10 बर्ड है, तो दो भी देसी अगर अंडे आप उन इनकी फीड के अंदर मिला देना, जो भी आप देते हैं, दाल दाना देते हैं आप, फीड देते हैं आप, बाजरा देते हैं, गंदम देते हैं, तो हफ्ते में दो दफ़ा बॉईल करके अंडे को अच्छी तरह, तो उसके छिलकों समेत फीड के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर दें, तो हफ्ते में दो दफ़ा खिला देना, तो फिर आपको इनके केजेस के अंदर कोई चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो परिंदे अंदर से गर्म होते हैं ना, जिनको अंदर इम्यूनिटी सिस्टम जिनका मजबूत होता है, अंदर से गर्म होते हैं, तो आप उनको ज़मीन पे कुछ भी ना बचाएं, बाकी इनको आपने हवा से बचाना होता है, हवा वगैरह इनको ना पड़े। और बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे
वो कहते हैं कि ना आप, हमने महल बनाए हैं, अच्छी बात है, महल बनाने चाहिए इनके लिए। आपने अगर बर्ड्स रखे हुए हैं तो इनको अच्छी अच्छा माहौल प्रोवाइड करना आप पे फ़र्ज़ है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि देखें, आप महल बनाते हैं अपने बर्ड्स के लिए, टाइल पत्थर लगवा देते हैं, तो ये जानवर होते हैं, ये टाइल पत्थरों में नहीं रहते, ये कुदरती माहौल में रहते हैं। आपने देखा होगा जो गाँव वगैरह में परिंदे पलते हैं, जो लोग असील गाँव वगैरह में पालते हैं, वो हमारे से अच्छे पालते हैं। तो क्या वो टाइलों में रहते हैं? क्या उनको बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड किया होता उन्होंने? तो जानवरों को जब आप जानवरों वाला ही माहौल प्रोवाइड करेंगे ना, तो तब ही ये सही रहते हैं। तो जब आप इनको टाइल पत्थर लगा देंगे, ठीक है, पक्का कर देंगे फर्श, तो फिर आपके जानवर सही नहीं रहते, वो ऐसे ही होते हैं जैसे मम्मी डैडी बच्चे होते हैं। फिर तो जो फिर मम्मी डैडी बच्चे होते हैं, बर्गर बच्चे जो होते हैं, आपको पता है फिर वो कैसे पलते हैं। और जो गरीबों के बच्चे होते हैं, यानी जैसे हमारे बच्चे हैं ये, और ये कैसे पलते हैं, ये फिर स्टफ होते हैं अंदर से ना, टफ होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है अंदर से। तो जानवरों को जानवरों वाले माहौल में रखना चाहिए, जानवरों को इंसानों वाला माहौल नहीं चाहिए होता। हाँ, इनकी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, इनको अच्छा माहौल देना चाहिए, इनको सर्दी और गर्मी से बचाना चाहिए, ये हम पे फ़र्ज़ है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बात समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो शाम हो चुकी है, देखिए मैंने ये सारे केजिस को डाम दिया है ऊपर, छत के ऊपर तरपाल डाल दी है। इन केजिस में कुछ नहीं है इसलिए ये खाली हैं। इस केज में है एक बर्ड इसलिए मैंने इसको बिल्कुल डांपा हुआ है। इसके अंदर जग्गू है, इसको भी डांपा हुआ है, और बाकी इनको भी डांपा हुआ है, चेक करें। और मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ, इससे क्या होगा कि सर्दी नहीं आएगी। अब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगी, कम आएगी सर्दी। तो जो धुंध पड़ती है ना, तो धुंध फिर नीचे आती है, तो फिर वो केजिस के अंदर इफेक्ट करती है, तो इस तरह कुछ बचत हो जाती है। तो अगर आपके छत के ऊपर इस तरह के केजिस हैं, तो आप भी इस तरह का कोई टोटका या चुकाट लगा सकते हैं।